हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G85 फ़ोन है, तो मोटो G85 फ़ोन के कैमरा ऑप्शंस पे जाकर कैमरा इश्यूज प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फ़ोन का कैमरा आपका प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पा रहे, या फिर जो आपके फ़ोन में कलरिंग वगैरह सही से नहीं आ रहा है कैमरा में, तो आप कैसे कैमरा इश्यूज प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप कैसे ठीक कर सकते हैं कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम को, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपके पास ऑप्शन आता है कैमरा आइकन। तो जब आप कैमरा आइकन्स पे जाते हैं, तो कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे कैमरा सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके पास रीसेट ऑप्शंस आता है, जहाँ से कैमरा ऑल सेटिंग्स को आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, जिससे आपको जो फ़ोन कैमरा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा और जो भी सेटिंग्स होगी शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी कैमरा सेटिंग्स को रीसेट करके इश्यूज़ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है, तो सिंपली आप इसको मतलब होल्ड करके आप इन्फो पे जा सकते हैं, ऐप इन्फो पे, जहाँ से आपको स्टोरेज कैश पे जाकर स्टोरेज डाटा आप डिलीट कर देंगे। तो स्टोरेज डाटा डिलीट करके भी आप अपने कैमरा की जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर सकते हैं और कैमरा आपका शुरू से स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मोटो G85 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।